जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। हमने हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र को स्टार्ट किया था आपके आगामी सीटेट, सीजीटेट एवं अन्य राज्यों के टेट के लिए, जो कि आपके पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए ही उपयोगी है। साथ ही साथ यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये उपयोगी है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार, जो कोई भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। तो अब तक हमने हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हमने फर्स्ट पोर्शन जो स्टार्ट किया था वो अपना व्याकरण का पोर्शन स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने विकारी शब्द देख लिया है। विकारी शब्द कौन कौन से हैं जो कि लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार जो परिवर्तित हो जाए वही विकारी है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। इसके आगे हमने क्रिया तक देख लिया है, आज हम क्रिया विशेषण देखने जा रहे हैं। तो क्रिया विशेषण होता क्या है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्रिया विशेषण की बात करेंगे हम लोग तो वह शब्द जो क्रिया की विशेषता समय, स्थान, रीति अर्थात शैली और परिणाम के विषय में बताएं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जो क्रिया की विशेषता, क्रिया का समय, स्थान, रीति और परिणाम के विषय में बताए वही क्रिया विशेषण है। जैसे कि आइए देखें, मुकेश कल आएगा। मुकेश कब आ रहा है तो कल आ रहा है, तो क्या बताया गया है यहाँ पे, समय कल, तो मुकेश के आने के समय को बताता है यहाँ, तो इसीलिए ये क्या है, क्रिया विशेषण। मुकेश कब आएगा, मुकेश कल आएगा, तो यहाँ पे क्रिया का क्या बता दिया गया, क्रिया का समय बता दिया गया, इसीलिए ये क्रिया विशेषण है। लेकिन क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं ये आपके एग्जाम में यदि पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। कौन कौन से, तो कालवाचक। ये कालवाचक क्या होता है भाई, आइए समझते हैं। तो क्रिया के समय, काल मतलब समय, तो समय संबंधी विशेषता को जो प्रकट करें वही कालवाचक होते हैं, जैसे कि अब, कब, तब, जब, आज, कल, परसों, सुबह, दोपहर, शाम, अभी अभी, कभी कभी, कभी ना कभी, सदा, सर्वदा, सदैव, पहले, पीछे, नित्य, ज्यों ही, त्यों ही, एक बार, पहली बार, आजकल, घड़ी घड़ी, रात भर, दिन भर, क्षण भर, कितनी देर में, शीघ्र, जल्दी, बार बार, इत्यादि। मतलब बहुत सारे हैं जो कि समय, जहाँ पे आपको समय का बोध जहाँ से हो रहा है जिन भी शब्दों से, तो आपको समझना है कि ये क्या है। लेकिन वो समय कैसा होना चाहिए, क्रिया के समय को जो बता रहे हैं वही कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। और जो कालवाचक के तीन भेद भी माने जाते हैं, कितने माने जाते हैं, तीन भेद माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, कालवाचक के बाद में आता है स्थानवाचक, यानी कि क्रिया में जो स्थान संबंधी विशेषता को जो प्रकट करे, जैसे कि स्थान, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, वहीं, कहीं, हर जगह, सर्वत्र, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, कहीं कहीं, अन्यत्र। ये क्या है, ये स्थान के, ये क्या बता रहे हैं, स्थान के विषय में हमें बता रहे हैं, इसीलिए स्थानवाचक होंगे। परिमाण क्या होता है भाई, परिमाण मतलब होता है नाप तौल, यानी कि जो नाप तौल संबंधी जो विशेषता प्रकट करें क्रिया की वही परिमाण है, जैसे कि इतना, उतना, कितना, जितना, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, क्रमशः, कम, अधिक, ज्यादा, पर्याप्त, काफी, केवल, जरा, बस, लगभग, कुछ, बिल्कुल, कहाँ तक, जहाँ तक, पूर्णतया। ये क्या, परिमाण को बता रहे, नाप तौल को बता रहे, तो ये परिमाणवाचक हुए। फिर आते हैं हम रीतिवाचक में, ये रीतिवाचक क्या होते हैं भाई,
यानी कि क्रिया की रीति, रीति मतलब होता है शैली, जो क्रिया की शैली, क्रिया की रीति संबंधी विशेषता को प्रकट करें, वही रीतिवाचक होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषणों की संख्या बहुत बड़ी है और जिन क्रिया विशेषणों का समावेश दूसरे वर्गों में नहीं हो सकता उनकी गणना इसी में की जाती है, यानी कि और जगह नहीं है जो, वो यहाँ पे बाकी इनमें से जितना बच गया, यानी कि आपका सबसे पहले काल था, फिर स्थान था, फिर उसके बाद में आपका परिमाण था, तो इनमें जो नहीं आया और जो बच गए वही क्या है, वही आपके रीति के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के ये हमने क्या देख लिए, चार भाग देख लिए। अब जैसे कि हमने ये टॉपिक को स्टार्ट कैसे किया था, शब्द भेद के अंतर्गत हमने ये टॉपिक को स्टार्ट किया था। तो शब्द भेद के अंतर्गत जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं स्रोत के आधार पर शब्द का भेद। जब हम स्रोत के आधार पर शब्द का भेद देखेंगे तो स्रोत के आधार पर पुर्तगाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि, यानी कि आगत मतलब विदेशी भाषा के शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, उन्हें स्रोत के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा गया है। तो कैसे बांटा गया है, जैसे कि हम देखें तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम। ये क्या होता है भाई, तत्सम, तत्सम उसके जैसा, उसके जैसा, तत् मतलब उसके, सम मतलब जैसा, क्या क्या जैसा। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया अग्नि, वायु, वत्स, भ्राता, पुष्प, कवि, ये सब क्या है, ये सब है हमारे तत्सम। फिर ये क्या है, संस्कृत भाषा के शब्द हैं, संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त किए जा रहे हैं। लेकिन यदि आप उनमें क्या कर दो, परिवर्तन करके यदि आप उनको हिंदी में प्रयुक्त करोगे तो वो क्या कहलाएंगे, तद्भव। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में परिवर्तन कर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, जैसे मोर, चार, बच्चा, फूल। लेकिन अर्ध तत्सम क्या है भाई, तो अर्ध तत्सम होता है आपका, अर्ध तत्सम शब्द उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत बोल, जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप हो जाते हैं, जैसे अज्ञा, मुंह, वंश, बच्छ, यानी कि जो परिवर्तित, जो हमारे उच्चारण में जिनका क्या हो गया है, हम गलत तरीके से बोलने लग गए हैं, लेकिन वो क्या है, वो संस्कृत के शब्द हैं, उच्चारण में बिगड़ते बिगड़ते कुछ और रूप हो गए हैं, वही क्या कहलाते हैं, अर्ध तत्सम कहलाते हैं। हम यदि हम तद्भव और तत्सम की बात करेंगे तो बहुत सारे शब्द हैं, आप इसका PDF ले लीजिएगा और अपने से रीड करिएगा। हम कुछ ही शब्दों को यदि हम देखें तो आंख अक्सर पूछा जाता है, आंख का क्या होता है, अक्षी, आंख का अक्षी। अंगूठा तद्भव है, फिर उसका तत्सम क्या है, अंगुष्ट, यानी कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त लाए, संस्कृत के शब्द हैं ज्यों का त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, प्रयोग में लाए जा रहे हैं, तो ये तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, अदरक तो आर्द्रक, क्या है, आर्द्रक। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए आंवला, आंवला का क्या है, आमलक। इकट्ठा का एकत्र, 31 का एक त्रिंशत। ठीक, ईंट का इसी का, ईंधन तो ईंधन। ठीक है, उंगली का अंगुली, फिर उसके बाद में ईख का इक्षु, जो जो बता रही हूँ उसको याद करते हुए चलिएगा, यहाँ से प्रश्न बना है क्योंकि, ईख का इक्षु हो गया। फिर उसके बाद बहुत सारे शब्द हैं, तो आप लोग इसकी PDF को आप लोग जरूर से पढ़िएगा। उल्लू, उलूक, ऊंट, उष्ट्र, ऊन, ऊर्णा। ठीक है, ऊंचा, उच्च, उजाला, उज्जवल। फिर उसके बाद हो, ओठ, ओठ, तो ओ, ओष्ठ, होठ नहीं, ओठ है ये, तो ओष्ठ हो गया।
ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा कुआं, तो कूप, कीड़ा, कीटक, कुम्हार तो कुंभकार, खत्री तो क्षत्रिय, ठीक, खीर तो क्षीर, खेत क्षेत्र, ठीक है। फिर उसके बाद में गधा तो गर्दभ, घड़ा घट, घड़ी का घटिका, घी का घृत, ठीक। तो ये सबको आपको देखना है, पढ़ना है और इसको अपने को याद रखना है, जैसे कि एग्जाम में आए तो हमसे गलत ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब क्या आता है हमारा, तत्सम तद्भ हो गया। अब हम आते हैं देशज विदेशज में। देशज जस जा अर्थात जन्मा, देश मतलब देश को बता रहा है। तो देशज की उत्पत्ति दो, देशज शब्द दो शब्द से मिलकर के बना है, देश और जा, यानी कि जो देश में जन्मा है वही देशज है। जैसे कि जो बोल चाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहित है। हम अभी देशज की यदि हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि लकड़ी, खिड़की, थैला, घरौंदा, पगड़ी, चिड़िया, तेंदुआ, जूता, डिबिया देश में जन्मे हैं। विदेशज विदेशज जो विदेश से आए हैं, जहाँ विदेश से जिनका जन्म हुआ है, जो विदेश में जन्मे हैं वही विदेशज होते हैं। ये आगत हैं। और यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो आगत कौन कौन से हैं, विदेशी यानी कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ये सभी हैं। जैसे अरबी में आओगे तो कुर्सी, ख्याल, जिस्म, जुलूस, जलसा, जवाब, तमाम, तकदीर, जहाज, तारीख, जिक्र, तकिया, ये अरबी हैं आपके। ऐसी फारसी भी हैं, आबरू, आमदनी। अंग्रेजी में अपील, कोर्ट, पुलिस, टैक्स, ऐसे जो का त्यों प्रयुक्त में प्रयुक्त हो रहे हैं, कलेक्टर। ऐसी तुर्की के शब्द हैं, उर्दू तुर्की का है, ताश हो गया, दरोगा हो गया, चाकू, कैंची। पश्तो खर्राटा मार के सो रहा है तो खर्राटा। फिर गुंडा, पटाखा, अखरोट। पुर्तगाली क्या है, अलमारी, अननास, आलपिन, आया, कमीज, कमरा, इस्पात, ये सब क्या है हमारे, पुर्तगाली हैं। तो ये भी देशज हुए हमारे, ठीक। फिर उसके बाद में रचना के आधार पर देखेंगे, लेकिन पहले हमने स्रोत के आधार पर देखा है, तो पहले इसको रिवाइज करिएगा। कैसे करेंगे, पीडीएफ को आप लोग ले लीजिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी 9584532690 पर। इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा, पीडीएफ रीड करिएगा और इसके बाद इससे इसके बेसिस में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी आपको करवाया जा रहा है वो एग्जाम के अनुसार करवाया जा रहा है। तो फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना समय दे रहे हैं और निश्चित रूप से ये सभी क्लासेस आपके फायदे की होने वाली है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। आप सभी को जय श्री राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।